हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 24 लोगों से भरी पिकअप पलटी, दो की मौत, स्कॉर्पियो से हुई भीषण टक्कर, 13 बच्चे और महिलाएं हुई घायल। टक्कर इतनी भीषण हुई कि स्कॉर्पियो गाड़ी का टायर तक निकल गया, वहीं आगे से गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। बाड़मेर जिले के शिव थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 68 अगोरिया गाँव के पास स्कॉर्पियो और पिकअप के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में दो की मौत हुई है, वहीं कुल 24 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 5 बच्चियों सहित 6 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है और अन्य घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें 13 बच्चे बच्चियां और 4 महिलाएं शामिल हैं। अस्पताल में कलेक्टर लोक बंधु व एसपी दीपक भार्गव भी पहुंचे हैं। डॉक्टर से घायलों के बारे में जानकारी ली जा रही है, साथ ही बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार तेजा की बोरी बागोड़ा जालोर निवासी एक ही परिवार के लोग पिकअप गाड़ी में बाड़मेर होते हुए मोहनगढ़ दरगाह दर्शन के लिए जा रहे थे। सोमवार सुबह करीब 9 बजे नेशनल हाईवे 68 अगोरिया गांव के पास सामने से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने पिकअप को टक्कर मार दी। पिकअप में महिला और बच्चों सहित करीब 24 से ज्यादा लोग सवार थे। पिकअप गाड़ी में बैठे हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और पिकअप गाड़ी के भी पुर्जे बिखर गए। सूचना पर शिव पुलिस एवं एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इशाक खान उम्र 65, पुत्र हुसैन खान और दाऊद खान उम्र 30 वर्ष, पुत्र सुमार खान को मृत घोषित कर दिया है। वहीं 4 बच्चों सहित गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। शेष घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के बेड पर घायल बच्चा अरफा। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा है कि बच्चे महिलाओं सहित 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों के सर पर लगे जख्मों का सीटी स्कैन करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद ज्यादा गंभीर होने पर जोधपुर रेफर कर दिया जाएगा। अस्पताल प्रशासन की टीम को निर्देश दिए गए हैं और टीम लगातार घायलों का इलाज कर रही है। एसपी दीपक भार्गव अगोरिया गांव के पास पिकअप व स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। घायलों का इलाज चल रहा है। गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। मोहनगढ़ दरगाह दर्शन करने जा रहे थे। जालोर जिला के तेजा की बोरी सायला में एक परिवार के लोग सोमवार सुबह दर्शन करने जा रहे थे, जिसमें पूरा परिवार था। इसमें महिलाओं और बच्चों सहित करीब 20 लोग थे। बाड़मेर होते हुए भाड़का से 15 किलोमीटर दूर अगोरिया के पास सामने से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।